कौन सी पीक होगी। मम्मी पापा ऐसे घूर घूर कर पता नहीं किसे देख रहे, कोई टीका लगा। घोड़ी क्या भैंस चलेगी, और मंडप में शादी करने कुत्ते को बिठा देंगे। अरे भैया ये बच्चा किसका खो गया? वही उल्लू पे बैठे। हुआ क्या है, ये फटे बांस की तरह क्यों बज रहा है? तो लौट गया मैं तो बर्बाद हो जाएगी दीदी। अरे भैया रुक जा रुक जा। लेकिन टकरा हुआ क्या? मुझे कोई बाल निकलता है तो मुझे अक्ल हो गया है। जब कचरे के डब्बे से टैग लगा। हाँ टकले भैया का तो कचरे के डब्बे से उठा के लाए। अड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। मेरे तो लग गए। भाई इस उल्लू के पट्टे को कौन बताए कि जब मम्मी पापा की शादी हो रही थी तब ये चिमका अंडा तो क्या, हम चारों छोटूरों में से इस धरती पर कोई नहीं टपके थे। स्वर्ग में बैठकर जूस पी रहे थे। आ, जूस जूस हम पी रहे थे, तुम्हें तो पिछवाड़े में कोड़े पड़ रहे थे। मेरी शादी में मेरे को बुलाइए कि नहीं? अगर इस उल्लू के पट्टे को नहीं बुलाएंगे घोड़ी क्या भैंस चलेगी, और मंडप में शादी करने कुत्ते को बिठा देंगे। तो गाइस अपनी स्किन की केयर करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, इसलिए तो मैं भी पिछले काफी दिनों से एक बहुत ही अमेजिंग स्किन केयर कॉम्बो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट तो ये कि ये बिल्कुल 100% नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, यानी भैया हमारी स्किन पर नो साइड इफेक्ट। मैं यूज कर रही हूँ इटर्नल आयुर्वेदा का लेमन एंड हनी फेस वॉश एंड इटर्नल आयुर्वेदा का स्किन लाइटनिंग ऑयल। इस ऑयल में ना टर्मरिक एलोवेरा जैसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपकी स्किन के पोर्स तक जाता है एंड आपकी स्किन को ब्राइट करता है। बस आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद इस ऑयल का 4-5 ड्रॉप्स अपने फिंगर टिप्स में लेकर अच्छे से मसाज करना है। एंड देन मसाज करने के बाद कम से कम 7-10 मिनट्स तक अपने स्किन में रखना है। इटर्नल आयुर्वेदा लेमन एंड हनी फेस वॉश में भी लेमन और हनी जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपकी स्किन को नेचुरली ग्लोई बनाता है। और साथ ही में ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल सिलिकॉन ब्रश के साथ आता है जो कि काफी अच्छी तरीके से फोम क्रिएट करता है। बस भाई आपको इससे अपने फेस को अच्छे से 2 मिनट तक मसाज करना है एंड देन अच्छी तरीके से अपना फेस वॉश कर लेना है। ये ना काफी अच्छी तरीके से आपकी स्किन को बिल्कुल क्लीन कर देता है। गाइस मुझे तो ये दोनों प्रोडक्ट्स काफी पसंद है एंड अभी ना आपको ये दोनों काफी अमेजिंग डील पर मिल जाएंगे बहुत ही कम प्राइस पे अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों पर। तो यार आप किसका वेट कर रहे हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेकआउट करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगे, देन आपको बाय नाउ पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। वजह इन जानवरों को भी कुछ खिला दिया करो, ये कभी मांगते नहीं है। कुछ तरीका है भीख मांगने का? लड्डू तो नहीं भैया, लेकिन हाँ हम अपने मम्मी पापा की शादी की सारी पिक्स तो देख ही सकते हैं ना। प्यारे प्यारे मम्मी पापा की वेडिंग एल्बम। पढ़ाई करने के लिए नहीं है भैया। यार मुझे ना रिसेंटली अपने प्यारे प्यारे मम्मी पापा की जो वेडिंग एल्बम है ना वो मिली, जिसे मैंने भी अभी तक अच्छी तरीके से देखा नहीं था, बिल्कुल गधे की सिंह की तरह गायब ही हो गया था। कोई बात नहीं, अभी साथ मिलकर देखते हैं और पुरानी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ऐसे भैया एल्बम की हालत तो टकलू के फर्नीचर किताबों से भी काफी बदतर है। और यार हो भी क्यों ना, मम्मी पापा की शादी को लगभग पूरी 18 साल हो चुके हैं। इधर भी तो दिखा भाई, हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। अरे इधर क्या मदरी का खेल हो रहा है, हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। नॉनसेंस। 1, 2, 3 कौन सी पीक होगी भाई? दुश्मन न करे ये उल्लू के।
पट्टी ने वो काम किया है। मतलब भैया कितनी एक्साइटेड थी ये देखने के लिए कि यार फर्स्ट पेज में कौन सी पीक होगी। गिनीश टकलू चिमकाने ने तो फर्स्ट पेज में हग ही दिया है। देखो फर्स्ट ही पेज में अपनी चित्रकारी चिमकाने की तरह दिखा दिया इसने। क्या लिखा है भाई? पापा भाई आज असम वाह 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 वाह। हाँ ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। तो ये सबसे फर्स्ट वीक में कौन कौन है? मम्मी पापा और बहुत सारे लोग हैं। कौन सी रसम है ये? जयमाला। ये जयमाला की रसम हो रही है। मम्मी और पापा कितने प्यारे प्यारे क्यूट लग रहे हैं ना। सब बिल्कुल सज धज के रेडी होकर आए हैं। शादी हुई है, चुड़ैल बनकर आ जाएंगे। इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना मम्मी पापा एक दूसरे को माला पहनाते हुए। फर्स्ट वीक में जो ये ब्लू कलर की साड़ी पहनी है कौन है बताओ? नहीं पता। नहीं पता ना, मुझे पहले देखकर नानी लगी थी। यार इनका चेहरा ना बिल्कुल नानी से हूबहू मैच करता है। ये हमारी नानी नहीं बल्कि नानी की छोटी बहन है। पापा ऐसे घूर घूर कर पता नहीं किसे देख रहे हैं। पापा भी हमें ऐसे ही घूर घूर कर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि ये दोनों बारातियों को घूर घूर कर देख रहे हैं कि यार कुछ तो छोड़ देना हमारे ठूसने के लिए। मम्मी तो भाई कितनी प्यारी लग रही है ना आरती। हाँ बहुत ही अच्छी लग रही है। कैसे घूर घूर कर देते हैं। मानो कह रहे होंगे उसे टीका लगाया, मेरे को भी टीका लगा। इट्स माय लाइफ, इट्स नाउ और नेम। और इधर इन पिक्स में जो शादी में तिलक की रसम होती है वो हो रही है। अभी भी है ना टकले? हाँ। पैसे दो लूट लो, लूट लो। मम्मी पापा हम लोग को देख रहे हैं। मम्मी पापा हम लोग को देख रहे हैं। मतलब चौक पेंसिल जो भी मिलता है। दीदी आप कहाँ गए? दीदी भाड़े में आते भाई। तुम करा दो। ओ मेरा बच्चा चुप चुप क्यों रोने लगा भाई? रो तुड़ गई का दिल लूट गया। मैं तो बेड बाहर हो गया है भगवान। मैं मेरे को पूछा तो है क्या साड़ जैसे कैमरा को घूर रहा है? मैं मरूंगी ना पिछवाड़े में लॉली कर दूंगी। तो भाई कैसा लगा आप सभी को आज का ये प्यारा सा मजेदार फनी व्लॉग? आई होप भाई कि आप सभी को पसंद आया होगा और आपने भी हमारे साथ ढेर सारा एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस